मेरा नाम नीलिमा है माय नेम इज़ गीतिका जयसवाल मैं मंगोलपुरी के एक रिसलमेंट कॉलोनी से आई हूँ और मेरे घर में हम लोग सात लोग हैं दो मेरे मम्मी पापा और पांच हम लोग मेरे पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और मेरी मम्मा मतलब वैसे तो घर में ही रहती हैं लेकिन वो कभी कभी जॉब करती हैं पार्ट टाइम पास ही में एक ब्यूटी पार्लर्स में और मैं अपने बहन भाइयों को बहुत प्यार करती हूँ और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ आई एम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर सक्षम प्रोजेक्ट इट्स अ यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट फॉर द यूथ लिविंग इन डिसएडवांटेज कम्युनिटीज ऑफ न्यू दिल्ली सक्षम के बारे में मैं ट्वेल्थ के बाद ही मतलब एक छोटा सा कोर्स करने के कर करके ही एक अपनी लाइफ स्टेंड करती है एक अच्छी जॉब दिलाती है और बहुत सारे ट्रिप्स भी हैं जो मतलब उनके उनके थ्रू होती है स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं कंप्यूटर वगैरह बहुत सारी बातें हैं द एरियाज दैट वी आर वर्किंग इन द यू डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड दैट इज प्रिस वॉट द प्रोजेक्ट इज ट्राइंग टू एड्रेस सिंस द सिचुएशन ऑफ गर्ल्स इज प्रिटी बैड इन दीज कम्युनिटीज आर फोकस विल बी टू रीच आउट टू द मैक्सिमम गर्ल्स ट्वेल्थ के बाद मेरे पापा का ये था कि मेरी शादी कर देंगे लेकिन मुझे ट्वेल्थ के बाद कुछ अच्छा कोर्स करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था और फिर मतलब जब हमारे घर पे जो मीटिंग्स वगैरह हुई थी उसके थ्रू मुझे सक्षम के बारे में पता लगा फिर मैंने सक्षम ज्वाइन करने की अपने घर में जिद की पापा माने नहीं लेकिन मम्मी ने पापा को मतलब मनाया कि मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग लड़कियों को लेने दो मैं चाहती हूँ मेरी लड़कियाँ आगे आगे एजुकेटेड हों मेरी सारी लड़कियाँ और बहुत चा, बहुत मुश्किल से मेरे पापा माने फिर ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग मैंने ले ली लेकिन उसके बाद भी जॉब के लिए नहीं माने कि जॉब लग गई जॉब नहीं करानी नहीं करानी लेकिन फिर भी मेरी मम्मा ने पापा को बहुत मनाया तब जा